बिल्कुल। और ये अंदर की तस्वीरें भी रामगोपाल एक बार हम दर्शकों को दिखा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने प्रस्तावकों के साथ, चार नाम ऐसे जो प्रस्तावक उनके साथ मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन की प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपस्थित है। हम लगातार दिखा रहे हैं 2014-2019 और ये तीसरी बार है जब नामांकन दाखिल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2024 का ये जो पल है, आज सुबह से हमने देखा किस तरह से पहले गंगा सप्तमी यानी गंगा के अवतरण दिवस के मौके पर गंगा पूजन का कार्यक्रम रखा गया, प्रधानमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया। फिर काल भैरव से वहां पर पूजा अर्चना की गई, उनसे इजाजत ली गई अपने शुभ कार्य के लिए, और अब कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, चारों जो प्रस्तावक हैं वो उनके साथ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। और हमने देखा कि किस तरह से कल के रोड शो में तो जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिला था। कहते हैं कि 2014-2019 और 2024 का ये जो कल का रोड शो था वो अपने आप में बड़ा भव्य था, इससे पहले ऐसा नजारा कभी काशी की सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। और आज जब नामांकन भरने के लिए प्रधानमंत्री निकले तो चाहे वो गंगा के घाट से लेकर अभी नामांकन स्थल पहुंच, भारत की और अखंडता भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो आप जो नामांकन की प्रक्रिया देख रहे हैं, उस नामांकन की प्रक्रिया के तहत बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती है, और उसी कागजी कार्रवाई के तहत इस वक्त प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं, जहां जहां उन्हें सिग्नेचर करना है वो पहले से, ये जो पूरा पेपर होता है नामांकन का वो पूरी तरह से तैयार किया जाता है, और फिर जो एक प्रोसेस पूरा होता है जहां जहां आपको हस्ताक्षर करने होते हैं वहां हस्ताक्षर किए जाते हैं। जो प्रस्तावक हैं वो प्रस्तावक प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन प्रस्तावक में जिन्होंने अयोध्या के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो भी मौजूद हैं। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आस्था भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आस्था, कल के रोड शो से लेकर आज तक के नामांकन की जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है, हमने देखा किस तरह से लोगों का हुजूम दिखाई दिया, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जो आम लोग थे उनकी एक झलक पाने को आतुर दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आज गर्मी भी बहुत है, इसके बावजूद भी चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सब देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, और उसके लिए देखिए यहाँ पर पुलिस को इंतजाम बढ़ाने पड़े हैं। अभी तक लोग रोड की साइड में उनको ह्यूमन चेन से रोका जा रहा था, अब इस तरह की रस्सियां आप देख सकती हैं कि लगाई गई हैं इन लोगों के लिए। और ये इस बात का संकेत भी है कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, अंदर प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में होगी और प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं, तभी इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। बहरहाल ये लोग हैं, इनसे जानते हैं, आप बताइए आप कहाँ हैं। लोकसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति आप प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, बाहर हमारे तमाम सहयोगी जुटे हुए हैं, और इस वक्त सड़कों पर भी भारी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए दिखाई दे रही है। रामगोपाल के पास चलेंगे जो कलेक्ट्रेट के सामने ही खड़े हैं, वहां पर मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां पर वो उपस्थित हैं। रामगोपाल, अब जब नामांकन की प्रक्रिया करीब करीब खत्म होने की तरफ है, ऐसे में जब प्रधानमंत्री निकलेंगे तो उसको लेकर किस तरह की वहां पर इंतजाम किए गए हैं, और क्या बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री या फिर वहां से सीधे निकल जाएंगे, क्या कुछ खबर मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नामांकन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कर रहे हैं, और चूंकि एक एफिडेविट देनी होती है कि उस नामांकन प्रक्रिया के दौरान कि जो भी उन्होंने अपनी बात लिखी है फॉर्म में वो सब सही है, और पूर्णतः उनकी जो जानकारी है वो सही है। इन 5 सालों में जब वो पिछली बार सांसद चुने गए थे और इस बार सांसद चुने गए हैं, तो उनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई, क्या उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी, क्या उन्होंने कोई मकान खरीदा, ये
पूरा ब्यौरा देना पड़ता है चुनाव आयोग को। इसी के साथ क्या कोई आपराधिक मुकदमा या कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज किया गया, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब आदमी ब्यौरा देता है, जो भी प्रत्याशी होता है वो ब्यौरा देता है, और ब्यौरा देने के बाद फिर एक एफिडेविट होती है, एफिडेविट की नोटरी बनती है, उस पर साइन किया जाता है कि जो भी बात मैं कह रहा हूँ वो पूर्णतया सत्य है। और ये चुनाव आयोग में हलफनामा, उसी प्रक्रिया को अभी प्रधानमंत्री उसी प्रक्रिया का यहाँ पर पालन कर रहे थे। और अब से कुछ देर में, अब जब नामांकन की प्रक्रिया वहाँ पर पूरी हो जाएगी, जो आर ओ है जिला निर्वाचन अधिकारी, यानी कि यहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट है वही जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो उस सेट को प्राप्त करेंगे और प्रस्तावकों के साथ वहाँ पे उसको रिसीव करेंगे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आएंगे। चूँकि इस तरफ जिधर से अब की बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में चढ़ेंगे, उधर ही मीडिया के लोगों को लगाया गया है, तो ये उम्मीद यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के बाद आके कुछ बोलें, लोगों की तरफ आएँ। हालाँकि ऐसी उम्मीद बेहद कम है कि प्रधानमंत्री मीडिया सेंटर की तरफ आएंगे, क्योंकि जो मीडिया सेंटर के लोगों को रोका गया है वो एक रस्से से, पतले से रस्से से रोका गया है। अगर ऐसे कोई इंतजाम होता तो बाकायदा यहाँ पे पोडियम रख के इंतजाम किया जाता, तो अभी उम्मीद ऐसी कम है। लेकिन जो लोग हैं उन लोगों को देखते हुए, हम लोग तो थोड़े से छाए में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएँ भी दिखाई पड़ रही हैं जो कंटिन्यू धूप में खड़ी हुई है, और उनके सिर पे सिर्फ एक टोपी है, वो भी भाजपा का, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। वो उत्साह, वो जो उनके अंदर प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह है, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पे खड़े हैं। और जो कलेक्ट्रेट नहीं पहुँच पाए हैं, जो रास्ते से जहाँ जिन जिन रास्तों से प्रधानमंत्री का ये कन्वे गुजरेगा, जिस जिस काफिला गुजरेगा, वहाँ वहाँ पे लोग खड़े हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहाँ पे खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और इसी तरीके से कल भी, कल पूरे दिन रोड शो भले ही शाम को 5 बजे से शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले जो है प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए जो है वो खड़े हैं। ये देखिए, मैं एक तस्वीर एक दिखाऊं, एक भाई साहब किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो यहाँ पे आके खड़े हैं। भाई साहब कब से खड़े हैं आप पीएम साहब को देखने के लिए? 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1.5-2 घंटा। तो कितनी मुश्किलें हुई यहाँ तक आने में? कोई मुश्किल नहीं हुई, सारी व्यवस्थाएं हैं, भीड़ बहुत है, लोगों में उत्साह है, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि काशी के लिए गौरव की बात है कि बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी अपना नामांकन कर रहे हैं। शास्त्री जी के बाद बनारस को प्रधानमंत्री मिला है, उससे लोग उत्साहित भी हैं। और तो क्या बदली है तस्वीर काशी की? काशी की तस्वीर बहुत बदली है। 14 के पहले अगर काशी को आपने देखा होगा तो काशी की स्थिति इतनी बदतर थी, जिसमें आज सुधार हुआ है, आने का जाने का सारा रास्ता सुगम हुआ है, और काशी के लोग प्रसन्नचित हैं। तो काशी की तस्वीर बदल गई है, क्या कहेंगे आज नामांकन को लेकर? आज ये गौरव का पल है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ से नामांकन कर रहे हैं काशी की पवित्र धरती पर। पहले भी उनको यहाँ की जनता ने अपार प्यार दिया है, बहुत से जिताया है, और इस बार और रिकॉर्ड मतों से यहाँ की जनता उनको जिताएगी। जिस तरीके से वो देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, देश का गौरव बढ़ रहा है, आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे तो भारत 5वें स्थान पर आया है, और सबसे बड़ा उल्लेखनीय काम अगर सनातन धर्म के लिए देखेंगे तो अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो पूरे भारतवर्ष में अयोध्या के मंदिर का प्रभाव रहेगा निश्चित तौर पे। जो सनातन में विश्वास करते हैं, जहाँ टेंट में रामलला इतने दिनों तक थे, और वो क्षण भी आया कि जब एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और मोदी जी ने अपने कर कमलों से वहाँ स्थापना किया भगवान श्री राम की, तो इसमें आस्था रखने वाले लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई। तो ये कुछ वर्कर हैं जो यहाँ पे इस तरफ पहुँच चुके हैं, और इनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नामांकन है, वो नामांकन सिर्फ ये जीत का एक तरीके से लोग जश्न के तरीके से मना रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में अगल बगल भी, चूँकि यहाँ बैरिकेडिंग होगी, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल, एक झलक पाने के लिए। और अगर काशी की जनता की बात सुनी जाए और समझी जाए, तो राम गोपाल, उन्होंने तो पहले से कह दिया है कि मोदी तो बंपर जीतेंगे और 1-2 लाख नहीं, पता नहीं कितने लाख से जीतेंगे। काशी की जनता ने ये पहले ही तय कर दिया है। लेकिन इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ
नामांकन की है और दूसरी तरफ वीवीआईपी मेहमान भी यहां पर प्रधानमंत्री के नामांकन से पहले पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह काशी में मेगा जो शो हो रहा है उसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग इनके जो एनडीए के साथी हैं उनके, चिराग पासवान की बात की जाए, एकनाथ शिंदे की बात की जाए या बाकी और मुख्यमंत्रियों की बात की जाए, वो सब यहां पर पहुंचे हैं। तीन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 2014, 2019 और अब बारी है 2024 की। भव्य मेगा रोड शो के बाद आज नामांकन हो रहा है अपने चार प्रस्तावकों के साथ। प्रस्तावकों के नाम हम आपको बता दें, पंडित गणेश्वर शास्त्री हैं, इसके अलावा के बैजनाथ पटेल हैं, लालचंद कुशवाहा हैं और संजय सोनकर हैं। यहां पर भी सबका साथ सबका विकास दिखाई देता है। ब्राह्मण समाज के अलावा दलित, ओबीसी सभी इसमें शामिल किए गए हैं प्रस्तावक के तौर पर। नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, नामांकन की प्रक्रिया पूरी जब हो जाएगी प्रधानमंत्री निकलेंगे। और आस्था भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था, हम यही बात कर रहे थे कि काशी की जनता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही जिता दिया है। उनका कहना है कि जो उनके अपोजिट में अजय राय खड़े हैं, 2% वोट मिल जाए यही बहुत है, यानी कि काशी की जनता ने तो मन बना लिया है। और वो कह रही है कि 1-2 लाख नहीं, पता नहीं कितने लाख से प्रधानमंत्री इस बार जीत हासिल करेंगे। काशी की जनता से ही सीधे पूछ लेते हैं, चिलचिलाती धूप में आप इंतजार कर रहे हैं, आप भी जानते हैं गाड़ी से ही एक झलक मिलेगी, तो काशी वासियों की भावनाएं क्या है? आप तो कांग्रेस को कहीं कंपटीशन में मान ही नहीं रहे। देखिए मैडम, हम लोग का एक अपना महत्व है काशी का, और हम लोग को 2014, 2019 और 2024 कल का अंकन रोड शो और आज का नामांकन, ये कोई पैसे से दी हुई भीड़ नहीं है, ये बनास का एक अपना प्यार है, एक मोहब्बत है जो अपने सांसद और उसके बाद प्रधानमंत्री, और हम लोग का ये नारा है 400 पार अपने सांसद को प्रधानमंत्री फिर दोबारा 2024 में बनाना है। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? जो ये काशी में आज भीड़ है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काशी के लिए कर रहे हैं उनके सम्मान में भीड़ है, और जितना उन्होंने विकास काशी में किया है अद्भुत विकास है, इसके पहले कभी हम लोग सोच भी नहीं पाए थे। और प्रधानमंत्री जी बम्पर रोड से जीतेंगे, पूरी जनता का स्नेह उनके साथ है। आप बताइए, काशी और मोदी, अब क्या ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं भावनात्मक रूप से? एकदम, अभी कल मोदी जी ने बोला है कि अब जो है गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है, पहले गंगा जी ने बुलाया था, अब ये काशी की मोदी है, हम नहीं बल्कि मोदी की काशी बन चुकी है। और 14 के पहले काशी का जो रूप था ऐसा नहीं था, उन्होंने घर की तरह इसको सजाया सवारा है, यहाँ के हर जनता के आत्मा में, दिल में, दिमाग में बसे हुए हैं, उनको लोग अपने घर की तरह मानते हैं। 10 सालों में उन्होंने 101 बार वो काशी में आकर के अपने जनता से, अपने लोगों से मिलते हैं। तो आपको इस बात पर गर्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं और यहाँ की जनता से उतना ही कनेक्ट रहते हैं? एकदम एकदम लगता है, क्योंकि कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं, आप इतने छोटे बच्चे को क्या दिखाने के लिए लाए हैं सर? ये आए मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने, क्या नाम है आपका? बोलो ना, नाम बोलो। अच्छा, मोदी जी को देखा आपने? कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री जी हैं। बताओ बेटा, मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। अच्छे लगते हैं आपको? फेस पहचानते हो आप उनका? फेस पहचानते हो उनका? हाँ। अच्छा, टीवी देखते हैं बच्चे। बताइए, इतनी गर्मी में आप बच्चे को लेकर आए हैं, मोदी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? 10 साल तक आपके सांसद रहे वो, अब एक बार फिर से। जी, मोदी जी यहाँ बहुत अच्छे हैं, विकास हुआ हमारे देश का, हम लोग चाह रहे हैं मोदी जी फिर से आए, 4 के पार आए, ये हम लोग यही सोचते हैं। चलिए, आपने तो श्री राम नाम की यहाँ पर ये अंगवस्त्र भी पहना हुआ है, तो अयोध्या राम मंदिर का भी मामला काशी में चलेगा खूब? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल जोर से चलेगा, काशी विश्वनाथ बनेगा भी, ये प्रभु कॉरिडोर तो बन गया है, अब और क्या उम्मीदें हैं? काशी विश्वनाथ का धाम भी बनेगा, विश्वनाथ धाम भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कुछ महिलाओं से जानते हैं, मैम आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े दावे हैं बीजेपी के, आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो रूरल एरिया से रिलेटेड हो, उज्ज्वला योजना हो, लखपति दीदी हो, इसके अलावा महिला सुरक्षा है, आपको लग रहा है कि क्या इस बार भी 2024 में महिलाएं रिकॉर्ड मतदान मोदी जी के लिए करेंगी? कितना जोड़ पाए हैं आप रूरल, अर्बन, रिमोट एरियाज को? जी बिल्कुल, हम लोग पूरे जमीनी स्तर तक महिलाओं को जोड़ रहे हैं, और जोड़ने की क्या जरूरत है, आप कहें गाँव गाँव महिलाएं नाम जान रही मोदी जी? जी बिल्कुल जान रही है, महिलाएं तो सीधे कहती है कि मोदी जी ने हमको उज्ज्वला दिया है, मोदी जी ने हमें शौचालय दिया है, उन्होंने हमको घर दिया है रहने के लिए,
तो वो और हमें अनाज देते हैं, इस तरह की बातें तो आप ज्यादातर आप शहरों से ज्यादा आप देखेंगे, अगर गांव एरिया में जाएंगे आप तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, आप वहां जाएंगे बस आप पूछेंगे कि मोदी जी ने आपको क्या दिया है। ठीक है, कुछ युवाओं से बात करते हैं, आइए आगे आ जाइए आप जी, क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम सिंह है। अनुपम सिंह, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं इस समय बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी क्या सब्जेक्ट है आपका? बीएससी मैथ। मैथ से बीएससी कर रहे हैं, तो बताइए अब एक तो बीएचयू आईआईटी का दर्जा मिल चुका है और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल मोदी जी से पूछे जाते हैं, उठाए जाते हैं। यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना है और पेपर लीक हुआ है, मैं भी यूपी पुलिस का पेपर दिया तो वो भी लीक हुआ है, उसकी डेट तक नहीं। आप चाहते हैं कि उसके लिए सख्त कानून बने, सख्त एक्शन? जी बिल्कुल। अच्छा, और डिग्री कॉलेज बनाए जाए, डिग्री कॉलेज बनाए जाए। एम्प्लॉयमेंट की बात पूछी, बनारस में आजकल में अमूल डेयरी का प्लांट बना, स्टेडियम बन रहा है, रोजगार जो भी मिला बनारस के लोगों को मिला और नित्य मिल रहा है, आज के डेट में डेयरी से जुड़े रोजगार हो, स्टेडियम में कम से कम 1200-1500 एम्प्लॉय रोज खट रहे हैं, बनारस एक नगर निगम का सीट है, जो आप किसी भी वार्ड के आप किसी डिबेट नहीं चल रही, आप लोग अपनी अपनी बात नहीं, बनारस एक नगर निगम, वाराणसी एक शहरी क्षेत्र है, यहाँ के नगर निगम किसी वार्डो में आप चले जाए, हमारे जो भी विधायक हैं शहर उत्तरी के माननीय रविंद्र जायसवाल जी हो, हमारे दक्षिण से नीलकंठ जी हो, या माननीय हमारे परिवहन मंत्री हो, कुछ एक महिलाएं हैं, हाथ में इनका छाता है, इतनी धूप हो रही है, अरे रे रे मोदी जी को देखने आइए ना, ये बताइए मोदी जी को देखने आए हैं, उनके फैन हैं आप? सभी सब नहीं। अच्छा चलिए, शाय हैं आप, शाय फैन हैं मोदी जी के, कोई बात नहीं। आप बताइए, 10 साल पूरे कर चुके मोदी जी यहाँ पे, अब आप मान के चल रहे हैं कि तीसरी बार भी वो जीत ही गए हैं, अब आगे आपकी क्या मांगे और उम्मीदें हैं उनसे? हमको उम्मीदें यही है कि अच्छा से कार्यकाल करें और विश्व गुरु बने, हमारा यही और प्रार्थना है, हमारे और कुछ नहीं है, बाबा भोलेनाथ के दया से। और इस बीच में आपको बता दूं कुछ हलचल हुई है, यहाँ पर हमें कुछ हूटर साउंड सुनाई दे रहे हैं, उसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि मुमकिन है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर का जो कामकाज है वो खत्म हुआ हो, लेकिन ये यूपी पुलिस की गाड़ी है जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामों को देख रही है कि सभी लोगों को जहां जहां पोजिशन किया गया है, बैरियर लगाया गया है, वो सब वहीं पर खड़े हैं कि नहीं, तो यहां पर अलर्ट है, बाहर अलर्ट जारी कर दिया गया है।